बिहार में नई सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की मुसीबत और बढ़ती नजर आ रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उनके खिलाफ मामला न्यायालय में चल रहा है। तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के बावजूद नीतीश कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई थी, लेकिन मामले ने इतना तूल पकड़ा कि आखिरकार मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। मेवालाल चौधरी के खिलाफ केस में पुलिस भी एक्टिव हो गई है और मामला एक बार फिर राजभवन तक जा सकता है। दरअसल मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में SSP आशीष भारती ने अभियोजन की स्वीकृति के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। SSP के पत्र के बाद कुलपति डॉक्टर AK सिंह ने राजभवन से निर्देश लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कुलपति डॉक्टर AK सिंह राजभवन के साथ साथ कानूनी विशेषज्ञों से भी राय लेने की तैयारी में हैं। मेवालाल चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने कुलपति रहते हुए BAU में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अनियमितता की। कानूनी जानकारों के मुताबिक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के पहले अभियोजन की स्वीकृति करना जरूरी है। इसी सिलसिले में SSP ने मेवालाल चौधरी और BAU के तत्कालीन सहायक निदेशक डॉक्टर MK वाधवानी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के लिए आदेश की मांग की है। माना जा रहा है कि BAU के तरफ से आज इस पत्र का जवाब दिया जाएगा।